अब फ्री फायर इंडिया का नाम सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कि इतना इंतजार तो मैंने नर्सरी से 12वीं में आने के लिए भी नहीं किया जितना फ्री फायर इंडिया ने 2 महीनों में करवा दिया। बस यार बहुत हुआ, अब मैं थक चुका हूँ। कभी कभी यार मैं सोचता हूँ वो भी क्या दिन थे जब मैं 8वीं में पढ़ता था, कोई चिंता नहीं थी स्कूल जाने का, दोस्तों के साथ बैठने का, हंसने का, खेलने का और बातें करने की। आज भाई इतने बजे फ्री फायर खेलेंगे, इतना रैंक पुश करेंगे, ये करेंगे, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, भाई वो दिन बहुत याद आते हैं। और तुम लोगों को पता है मेरे दोस्त ऐसे थे कि जब भी मैं गेम में ऑनलाइन आता ना तो भाई मैं देखता कि वो उतने टाइम पे ऑनलाइन ही नहीं होते थे। फिर मैं गेम बंद करता, उन सभी को भाई कॉल लगाता और बोलता भाई जल्दी गेम में आ जाओ, गेम में आ जाओ भाई, रैंक पुश करने का, फिर भाई फिर से गेम ओपन करने का और फिर एकदम साथ में खेलने का। भाई आंखों में नमी आ गई यार। तो यार फिलहाल अपन लोग उन यादों के बक्सों को बंद करते हैं और बात करते हैं उम्मीद की नई किरण, मतलब कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा। तो यार देखो मेरी उम्मीद तो खत्म ही हो गई है। नहीं मतलब मैं ये नहीं बोलता कि गेम लॉन्च करने में समय नहीं लगता, लेकिन इतना भी नहीं लगता भाई जितना फ्री फायर इंडिया वाले लगा रहे हैं। मतलब हर एक चीज की कोई लिमिट होती है और भाई अपने इंतजार करने की लिमिट अब पूरी हो चुकी है। सबसे पहले यार इन्होंने बोला था कि 5 सितंबर को गेम लॉन्च करेंगे, मैं उस दिन स्कूल ही नहीं गया, मैंने उस दिन छुट्टी कर ली और शायद उस दिन मेरे हिसाब से टीचर्स डे था, तो भाई मैंने अपनी जान से भी प्यारी मैडम की मुस्कुराहट छोड़ दी सिर्फ फ्री फायर इंडिया के लिए। और फ्री फायर वालों ने क्या किया भाई, गेम ही नहीं लॉन्च किया उस दिन। मेरे दोस्त उस दिन बहुत ही हैरान हुए कि बंदा भाई टीचर्स डे वाले दिन नहीं आया, मतलब कि टीचर्स डे वाले दिन। तो मैंने भी ओवरफ्लो में बोल दिया कि ओयो गया था, अब सब मुझे हवस का पुजारी बोलते हैं, इवन कि कुछ लड़कियां भी बोलती हैं। उस दिन को बीते हुए भी बरसों बीत गए लेकिन फ्री फायर इंडिया का अभी तक नामो निशान नहीं है। नहीं मतलब गेम डिले होता है लेकिन 1 महीना 2 महीना चलो 3 महीना, अबे ज्यादा से ज्यादा 4 महीना, लेकिन फ्री फायर भाई ये तो सालों साल डिले होता है। गेम को प्ले स्टोर पे आए हुए 4 महीने से भी ज्यादा हो गया है। एक बार तो प्ले स्टोर से भी गायब हो गई थी गेम लेकिन वापस आ गई। वैसे मेरे हिसाब से प्ले स्टोर पे गेम वापस नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि यार अब मेरे जैसे लोग रोज प्ले स्टोर ओपन करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ देते हैं, सब काम बिखरा का बिखरा रह जाता है और फ्री फायर इंडिया का इंतजार करने लगते हैं और सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर पे अगर उसी दिन आता ना जिस दिन लॉन्च होने वाला है, एकदम से लॉन्च कर देते तो भाई चारों तरफ तहलका मच जाता। मतलब कि एकदम से जैसे गेम लॉन्च होता ना तो भाई मतलब मजा आ जाता यार, मेरे पास शब्द नहीं है। और अगर मैं बात करूं फ्री फायर इंडिया कब तक आएगा, तो भाई देखो धीरे धीरे ये सब जगह फ्री फायर इंडिया का लोगो लगा रहे हैं। मतलब पहले फ्री फायर का था, उसके बाद फ्री फायर बैन होने के बाद फ्री फायर मैक्स का आया और अभी फ्री फायर इंडिया का धीरे धीरे लगा रहे हैं। तो हाँ कुछ टाइम अपन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा तो भाई ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है कि गेम कल को लॉन्च हो जाए और हो सकता है अगले साल, मतलब कि यार इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता ना। मतलब फ्री फायर वालों का कोई भी भरोसा नहीं है भाई, वो बोलते हैं ये चीज कल आएगी लेकिन वो चीज 2-4 दिनों के बाद ही आती है। तो अगर फ्री फायर वाले कोई कंफर्म डेट कर भी देते हैं कि भाई ये गेम जो है समझ लो 1 फरवरी को आएगी, तो जरूरी नहीं है कि वो 1 फेब को ही आएगी। हो सकता है वो 30 फेब नहीं है, इस बार शायद 29 फेब है ना, हाँ तो हो सकता है वो 29 फेब को आ जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि जिस दिन फ्री फायर वालों ने बोला है उसी दिन ही गेम आएगी। और अब तो फ्री फायर वालों से धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है क्योंकि यार ये अपनी जुबान के पक्के बिल्कुल नहीं है। तो बस यार आज की इस वीडियो में यही बताना था, मैंने सोचा चलो तुम लोगों का भी थोड़ा बहुत मन हल्का कर देता हूँ, थोड़े इंजॉय भी कर लोगे और पता भी चल जाएगा कि फ्री फायर के बारे में मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तुम लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, ये भी काम हो जाएगा। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी अगर तुम लोगों को भी डायनेमिक डुओ के बारे में जानकारी लेनी है कि अगर तुम लोगों का डायनेमिक डुओ बढ़ नहीं रहा तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में बताया और गारंटीड भाई तुम लोग हंसोगे, भाई ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो।